सोनीपत में सुबह के समय हुई बारिश काफी आफत लेकर भी जरूर आई। आपको कुछ तस्वीरें हम यहां पर जरूर दिखाना चाहते हैं। सोनीपत में शनि मंदिर रेलवे अंडर ब्रिज है और यहां पर लबालब पानी जो है वो भरा हुआ है। पानी निकासी का कोई भी प्रबंध जो है वो यहां पर नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पानी निकासी के दावे जरूर किए गए थे, लेकिन अब वे दावे जो है फेल होते हुए यहां नजर आ रहे हैं। सुबह के समय यहां पर एक कार भी पानी में डूब गई। गनीमत यह रही कि आसपास के लोगों ने उस कार ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे लगभगाया और सीधा ही पानी के अंदर चला गया। डिवाइडर कुदा के, डिवाइडर बीच में बड़ा हुआ है, इसको भी कुदा के सीधा पानी में अंदर चला गया। वो तो पानी में जाने के बाद गाड़ी पूरी डूब गई। डूबने के बाद जल्दी होश आ गया, गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर आ गया। फिर उसने इधर उधर के लड़के कूदे, खड़े किया गए लड़के, उन रस्सा वस्सा लाए, रस्सा ला के खींच के बाहर लाए। उसको जान बच गई। हाँ, जान बच गई। पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं हो पाता, कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा पानी निकासी का। इतने दिनों से ऐसे रहता है, जब से पुल बना जब से ऐसी है, बारिश आते ही तो ये आज की नई बात नहीं। स्थानीय लोगों का स्थानीय प्रशासन से यह अनुरोध जरूर है कि यहाँ पर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था जो है वो की जाए, क्योंकि बारिश होती है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।